हाई एवरी वन आई होप आप सब अच्छे हैं अनसेफ हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आई है क्वेश्चन फॉर यू क्या आपने कभी भी किसी लड़की को देखा है फ्लॉन्टिंग गॉर्जियस हेयर आफ्टर विजिटिंग ऑफ सैलन तो सैलन में काफी ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट होता है ऑफ हेयर तो मेरे मन में हमेशा ये कहलाता है कि केमिकल ट्रीटमेंट हेयर के लिए अच्छा है या नहीं पर्सनली गायस मैं भी ये बहुत ज्यादा सोचती हूँ क्योंकि मेरा अब हेयर आप देख सकते हैं आई हैव नॉट गॉट वेरी थीक या बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है मेरे हेयर में सो so, अब पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा है, मेरा हेयर का ख्याल रखना पड़ता है सो so, मेरे मन में यह भी ख्याल आता है कि वी शुड गो फॉर केराटिन और वी शुड गो फॉर हेयर स्पा सो इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या है एंड बजट में आ रहा है या नहीं कितना टाइम लगेगा एंड वट इज द कॉस्ट एंड एवरीथिंग ये सारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता ही है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एनालाइज आवर हेयर क्या आपका हेयर काफी ज्यादा डैमेज कंडीशन में है या आपको हेयर को थोड़ा एक्स्ट्रा नरिशमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है सो so, अगर आपका

भी आ रहा I know के स्पा अगर हर महीने करना है बजट इसका प्राइस क्या है अगर बहुत ज्यादा होगा मंथ सो आई है सोल्यूशन फॉर यू टूडे गाइज एंड दिस इज न्यू लॉन्च फ्रॉम न्यूड सो दिस इज न्यू टेन मिनट डी आई वाई एडवांस हेयर स्पा किट इसमें हमको फोर स्टेप्स मिल जाते हैं सो so आपके घर के कम्फर्ट में आप ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं you can experience सो so, इस तरीके का पैकेजिंग में आता है लाइक दिस यू कैन सी एंड बहुत अच्छे से ये मेरे पास सील्ड होके आया था सो ऑब्वियसली आई रिमूव दैट सो इसका प्राइस मैं बोल देती हूँ इसका प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है ओनली रुपीज थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव है जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है टू ईयर्स ऑफ सेल्फ लाइफ इसमें हमको मिल जाता है एंड द बेस्ट पार्ट इज न्यूड के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं पैराबेन सॉल्फेट थैलेट फॉर्मल डिहाइट डायक्सन डी ई ए, ए फ्रीज फॉर ऑल हेयर टाइप्स विच इज रियली ग्रेट सो द फर्स्ट स्टेप इज हेयर स्कैल्प स्क्रब इसको आपको मसाज करना है ऑन योर वेट स्कैल्प एंड बहुत ही जेंटली आपको मसाज करना है फॉर अराउंड थ्री मिनट्स एंड इसमें है कॉफी बीट्स जो कि हमारे स्कैल्प को अच्छे से एक्सपोलेट करते हैं एंड ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं इससे हमारा हेयर ग्रोथ होता है एंड हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम होता है वो भी कम हो जाता है सो आफ्टर थ्री मिनट्स यू हैव टू वॉस ऑफ यूजिंग ल्यूक्म वाटर या अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल वाटर से भी धो सकते हैं द सेकंड स्टेप इज हेयर स्पा शैंपू सो शैंपू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी हेयर केयर रूटीन एंड इसको को आपको यूज करना है ऑन योर वेट स्कैल्प एंड पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन योर स्कैल्प आपको इसको अच्छे से मसाज करना है फॉर अराउंड मिनट्स बहुत ही अच्छे से लेदर करता है एंड दिस शैम्पू रियली हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सेसिव सीबम एंड ऑयल फ्रॉम योर स्कैल्प सो कभी कभी हमारे हेयर काफी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन एंड डर्ट ये उससे हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करता है कभी भी शैम्पू को अप्लाई ना कीजिए ऑन द टिप ऑफ योर हेयर इससे क्या होता है आपका हेयर काफी ज्यादा ड्राई हो जाएगा एंड बीच में से टूटने का चांसेस काफी ज्यादा होता है सो कमिंग टू द थर्ड स्टेप दैट दट इज द हेयर स्पा कंडीशनर इसको आपको अप्लाई करना है ऑन द लेथ ऑफ योर हेयर टू द टिप्स इसको कभी भी स्कैल्प के ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा एंड यू हैव टू कीप दिस ऑन योर हेयर फॉर अराउंड थ्री मिनट्स एंड उसके बाद आपको धो लेना है यूजिंग लिक्वाम वाटर या नॉर्मल वाटर की मदद से आप इसको धो सकते हैं सो so, इसमें है हिबिस्कस एक्स्ट्रा क्योंकि मेलानिन क्रिएट करता है ताकि हमारा हेयर एक्स्ट्रा शाइनी लगे एक्स्ट्रा बाउंसिनेस आए हमारे हेयर के ऊपर एंड इसको यूज करने के बाद काफी अच्छे से हेयर सॉफ्ट हो जाते हैं जो फ्रिजनेस होता है हेयर में वो टोटली चला जाता है एंड आई रियली लव दिस कंडीशनर कंडिश्नर लॉट सो इसमें केराटिन भी है जो कि हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है सो कंडीशनर अप्लाई करने के बाद आपको अच्छे से हेयर को वॉश कर लेना है एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू गो फॉर न्यूड हेयर सीरम सो दिस इज द फोर्थ स्टेप इसको आपको अप्लाई करना है ऑन योर डैम्प हेयर एंड इसको अच्छे से ऑब्जर्व होने दीजिए टू योर हेयर यह आपके हेयर को डीटैंगल कर देगा एंड बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल साइन प्रोवाइड करता है तो हेयर ब्रेकेस का प्रॉब्लम होता है ये उसके ऊपर भी काम करता है सो so, इसमें है आर्गन ऑयल जोजोबा ऑयल एवोकाइडो ऑयल एंड कोकोनट ऑयल जो कि हमारे हेयर को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं एंड अगर आपका स्कैल्प का काफी ज्यादा ईंची है अगर आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम है ये उसके ऊपर भी काम करता है एंड इट ऑल्सो बूस्ट हेयर ग्रोथ तो so, ये चारों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपके हेयर को एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलता है एक्स्ट्रा हाइड्रेशन मिलता है अगर आपका एक्सट्रीमली फ्रीजी हेयर है बहुत ही अच्छे से वो सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं एंड यू कैन फ्लॉन्ट योर ब्यूटीफुल हेयर सो टू बी ऑनस्ट गाइज मेरे हेयर के ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करता है एंड एम रियली सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट एंड मैं इसको फिर से लूंगी ये तो खत्म हो गया है गाइज ऑब्वियसली इन वन स्टेप सो so, मैं इसका जरूर और एक पैक लूंगी एंड नेक्स्ट मंथ भी मैं हेयर पैक करूंगी यूजिंग दिस किट सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस गाइस एंड द बाइंग लिंक आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं सो गाइज आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल टू यू ऑल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज इस वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए एंड शेयर कीजिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टा हैंडल है ग्लैम अंडर स्कोर योर अंडर स्कोर लुक सो वंस अगेन I'll be back with another amazing video for you all. Bye. Take care. Love you all.